सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है यार। स्वागत करता हूँ आपका यार ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको यार बताने वाला हूँ कि पोको X3 में जो अब हमें लैग देखने को मिल रहा है उसको फिक्स कैसे किया जाए। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने 1 मंथ रिव्यू वाली डाली थी गाइस, उसमें बहुत सारे बंदे कमेंट सेक्शन में बज रहे थे कि यार तू फेक रिव्यू दे रहा है वगैरह वगैरह। तो गाइस यार, मैं बता रहा हूँ जो मैंने फील किया इस मोबाइल के लिए, मैं वो आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको झूठ लगता है या सच लगता है गाइज, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैंने जो बताया वो आपको बताया, मैंने जो फील किया। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार रिकॉर्डिंग करते समय जो लैग हमें देखने को मिल रहा है, मुझे तो मिल रहा है, तो उसको फिक्स कैसे किया जाए, बिना लैग के रिकॉर्डिंग कैसे किया जाए, और हीटिंग वगैरह कैसे हम कम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक दबा दो यार, जितने वीडियो देख रहे एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दो गाइस। बहुत यार मोटिवेशन चाहिए हमें यार, जो भी बंदे देख रहे हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो गाइस, हमें थोड़ा मोटिवेशन का ज़रूरत है। तो यार सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो वीडियो, ठीक है। चलते हैं हम यार वीडियो की ओर, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, हमारा पहला प्रॉब्लम जो है, सबसे मेन प्रॉब्लम कि यार जो कंटेंट क्रिएटर है, जो गेम खेलने के लिए, जो कॉम्पिटिटिव के लिए ये मोबाइल लेना चाहते हैं और यूट्यूब के लिए लेना चाहते हैं, तो गाइज़ उनके लिए रिकॉर्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको बिना लैग के करना, बिना लैग के आप रिकॉर्डिंग करोगे तो आपका गेम प्ले सही रहेगा। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि यार रिकॉर्डिंग, क्योंकि आप इस अगर MI का इनबिल्ट रिकॉर्डर यूज़ करोगे तो यार बहुत गंदा ये लैग होने वाला है, मतलब आपको लैग देखने को मिलेंगे, हमेशा नहीं मिलेंगे बट मिलेंगे, और उससे आपका गेम प्ले में फ़र्क भी आएगा। तो गाइज़ इससे अच्छा मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक स्क्रीन रिकॉर्डर का लिंक दूंगा मैं गाइज़, उसको डाउनलोड करो। ये कोई पेड प्रमोशन है नहीं, ठीक है। मुझे जैसा लगा मैं यूज़ करूँ, बहुत सारा स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने यूज़ किया बट ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा। तो गाइज़ यार उसको डाउनलोड करो, आप किसी भी डिवाइस में उसको यूज़ करो, आप ऑन कर दो और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, एकदम फील देगा स्मूथली, एकदम आपका गेम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जैसे आपका थोड़ा सा भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह होने वाला नहीं है, जैसे कि हमारा इनबिल्ट रिकॉर्डर से होता है गाइज। देखो प्रॉब्लम मेरे को पोको X3 प्रो से नहीं है, मैंने भी इस डिवाइस को मतलब डिवाइस को लेने से पहले बहुत सारा रिव्यू देखा था और मैं भी ब्लाइंडली इस पे विश्वास किया था मैंने कि यार मेरे को ये डिवाइस सबसे बेस्ट लगा था, क्योंकि लो बजट में ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मोबाइल है। तो गाइज़ उसके लिए मैंने इसको लिया, बट अभी जब मैंने लिया तो मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था इस मोबाइल से, उतना मेरे को इस मोबाइल से परफॉर्मेंस मिला नहीं, तो मैं उतना खुश हूँ नहीं इस मोबाइल से। हूँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट उतना नहीं जितना मैं सोचा था, मेरे एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ा नहीं उतरा। तो गाइज़ अब मिल रही तो ले तो लिया, अब हम इतने अमीर तो है नहीं कि हमेशा मोबाइल एक्सचेंज करते रहे, तो गाइज़ इससे हमें करना पड़ेगा। तो यार इंडिया में सब तो अमीर हैं नहीं, तो गाइज़ जो भी बंदे जिनको भी ले लिया है या फिर लेना चाहते हैं ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करो गाइस, ठीक है। तो यार हीटिंग का तो अब मैं बताता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग का तो मैं बता दिया, जो मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, उससे आप डाउनलोड करो उस ऐप को, उस रिकॉर्डर को यूज़ करो, बिल्कुल आपका लैग का प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव भी आप आराम से खेल पाओगे। और अगर आपको लैग ख़त्म करना है तो गाइज़ आप एक काम कर सकते हो, आप कस्टम रोम डलवा सकते हो गाइज़, कस्टम रोम से आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, उसमें भी बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। T1 वगैरह पेड कस्टम वगैरह में आपको लास्ट जोन में उसको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, जो मतलब मोबाइल बिना रिकॉर्डिंग के जो परफॉर्मेंस आपको देगा वो आपका परफॉर्मेंस देगा रिकॉर्डिंग के समय भी, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है गाइज़, कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो गाइज़ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो है हीटिंग इशू। गाइज़ हीटिंग इशू इस मोबाइल का बहुत है, जिन्होंने बाई किया उनको तो यार पता ही होगा, जिन्होंने नहीं बाई किया, बाई करना चाहते हो गाइज़, देखो हेट मैं नहीं फैला रहा, ठीक है, जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको अगर लोगे अपने अंदर समझोगे तो उस बात को आपको समझ में आएगा गाइज, ठीक है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ही मैं आपको ये बता रहा हूँ गाइज, और क्यों मैं क्यों बताऊँगा फेक, मेरे को क्या फ़ायदा है फेक बताने से, ठीक है। तो यार हीटिंग का इशू अब मैं आपको बताता हूँ, पंखे में आप खेलो यार, पंखे में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, पंखे में खेलोगे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, बट जहाँ बिना पंखे के आप खेलना शुरू करोगे तो यार आपको फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे गाइज, मेरे को मिलता है ना, मैं जानता हूँ, ज़रूर मिलेंगे। तो यार पंखे के नीचे आप खेलो ही खेलो, ठीक है। और जहाँ तक बात करो तो ब्राइटनेस को आप फुल पे मत रखो, हाफ पे रख के खेलो,
अच्छा आता है, आपको दिख जाएगा हाफ पे भी वही परफॉर्मेंस मिलेगा और आपका बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन नहीं होगा। तो गाइज़ यार ब्राइटनेस हाफ पे रखो और आप कोशिश करो कि कम ग्राफिक्स पे खेलो। स्मूथ एक्सट्रीम गाइज़ बहुत है, ठीक है, स्मूथ एक्सट्रीम बहुत है, तो आप स्मूथ एक्सट्रीम पे ही खेलने का ज़्यादातर कोशिश किया करो, ठीक है। HDR पे जाओगे, अल्ट्रा HD पे जाओगे तो वहाँ आपको हीट देखने को मिलेगा ही, बहुत ज़्यादा मिलेगा, पंखे में भी मिलेगा। तो गाइज़ स्मूथ एक्सट्रीम मैं रिकमेंड करूँगा। और अगर आप लॉबी वगैरह में खड़े हो तो यार आप और फ्रेम कम कर सकते हो, फ्रेम रेट जैसे कि स्मूथ पे लो करके आप यार अगर लॉबी में बात करो तो कर सकते हो, उससे आपको हीटिंग नहीं देखने मिलेगा और बैटरी भी आपको बचेगा गाइज। तो ये आज का वीडियो था गाइज, अगर आपको पसंद आया हो, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं उसको भी कैप्चर करूँगा गाइज। तो यार अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइज, बहुत उम्मीदों के साथ वीडियो बनाता हूँ, तो यार सपोर्ट दिखा दो। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चीज़ चाहिए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।